सोलन शहर से बाहर चंबा घाट के समीप आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने के लिए काफी लंबे समय से कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इस अस्पताल का निर्माण जल्द हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पताल भूमि का निरीक्षण भी किया। अस्पताल निर्माण को लेकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि परमाणु से शिमला के बीच ट्रामा सेंटर नहीं है, इसलिए दुर्घटनाओं में घायल का इलाज सोलन में नहीं हो पाता है। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि इस अस्पताल का निर्माण जल्द किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड संक्रमण के चलते अस्पताल के निर्माण में देखी गई कमियां हैं, लेकिन अब अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं ताकि इस अस्पताल की नींव जुलाई में रखी जा सके। उन्होंने कहा कि सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल काफी पुराना है और अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं नहीं है, इसलिए शहर की भीड़भाड़ से दूर ये अस्पताल बनाया जाएगा ताकि शिमला, सिरमौर और सोलन से आने वाले रोगियों को भी सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि स्टाफ के रहने के लिए भूमि की कमी नहीं है, जिसके लिए जल्द ही जमीन देखी जाएगी। इस स्थान के ऊपर जहां इस सड़क से नीचे की तरफ जो है यहां पर हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो होगा, क्योंकि वर्तमान जो हमारा भवन है, हमारा जो हॉस्पिटल है, जो स्थान के जो वो स्थान है, बिल्कुल शहर में स्थित होने की वजह से बहुत सी समस्याएं जो हैं वहां पर हैं। इसलिए हॉस्पिटल जो है वहां से बाहर आना चाहिए और ताकि लोगों को सुविधा मिले। कोई इमरजेंसी, कोई ट्रामा का केस आ जाता है और कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना है तो कंजेशन में जो है वह व्यक्ति फंसता है। वहाँ पर भी जो है चिकित्सा सुविधा जो है उस स्थान के ऊपर भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी इसका हम जो है वो निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू करवाएंगे। इसका शिलान्यास जो है जुलाई मास में जो है वो किया जाएगा ताकि बढ़िया एक हॉस्पिटल जो है सोलन शहर के लिए और हमारा सिरमौर जिला के कुछ क्षेत्र को भी इससे लाभ होता है, शिमला जिला के कुछ क्षेत्र को इससे लाभ होता है, तो इसलिए आज ये सारा जो है मुआयना उस दृष्टि से मैंने रखा। सर, लंबे समय से इस अस्पताल का कार्य लंबित था, तो क्या जनता को आश्वस्त? देखिए, कोविड जो है वो कारण रहा है, बहुत से जो विकास के प्रोजेक्ट्स थे तो वो डिलेड रहे हैं कोविड की वजह से, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो सामान्य हो रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द, मैंने कहा है कि जुलाई में हम इसका फाउंडेशन करेंगे, उसके बाद निर्माण कार्य, उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया है और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो भी एजेंसी इसका निर्माण कार्य करेगी उसको भी हम यही हिदायत देंगे कि इसका निर्माण कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से हो।